इसी मैडम, मैंने 50 का पेट्रोल लगाया था, वो भी आ गया है, यानी 2 घंटे के अंदर आई है, 2 घंटे तक आ गया है। और अभी जो करंट रेट चल रहा है इसका लग रहा है कि 24 घंटे में आ रहा है, लेकिन अब कितना आया, 223 था पहले भी इसी मैडम, उसमें से पता तो है कम तो हुआ है, 50 मुझे लगता है कि 40 से ही कम मिला, क्योंकि 15 में पहले ही था, नहीं 35-36 किलोमीटर में मिला है मेरे को, तो यही थोड़ा अंदर बाहर का रेट का इशू रहता है। अभी इसका जो करंट प्राइस है 1077229 है, तो रेट अभी काफ़ी कम हो गया है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो काफ़ी होता है ये। चलिए तो अभी इसी रेंज में ये रहेगा, अगर कभी बढ़ा तो सिस्टम की तरफ से ही बढ़ेगा और एकदम डाउन भी हो जाएगा। तो चलते हैं पहले तो सुबह काफी पेज भी चलते हैं, टाइप करेंगे तो नेटवर्क एक बार चेक कर लेंगे, अगर मैं हिस्ट्री से उठाता हूँ तो नेटवर्क अपना सेम रहता है। पचास हजार तो दूसरी बार में बन गया है, लेकिन वो चोरी हुआ पड़ा है, तो वो भी इंतजार में वो भी कम अगला करेगा तो मैं विड्रॉल मारूंगा, इसमें उसका करना थोड़ा रिस्क है। ये नोटिफिकेशन आया है कि इन्होंने 28 तारीख को अर्ली बर्ड ऑफर के रिगार्डिंग कुछ इन्होंने बेहतर देना है, वो भी 28 जुलाई का इंतजार हो रहा है, क्या स्पेशल अर्ली बर्ड ऑफर में देंगे। पीछे जो दिया है वो तो हमने देखी गया की 0.25 का इन्होंने 1% दिया, 1% देने का इन्होंने प्रयास किया था, वो भी यानी अगर हम 500 से फार्मिंग खुद की और 500 करवाते हैं तब मिलना था वो, तो अभी देखते हैं क्या ऑफर आएगा, ये तो आने पे ही मालूम पड़ेगा। ये ऑफर सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टरों के लिए था, छोटे इन्वेस्टरों का इसमें कोई रोल ही नहीं था। यही हमारा एक्चुअल में दूसरा पेज ओपन हुआ है, जिसमें कि पहला पेज अपना जिसमें कि 2 वॉलेट शो होते हैं, एक अपना कनेक्टेड वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट शो होता है, दूसरा यूजर वॉलेट शो होता है जो कि अपना डीपी वॉलेट है, ये डीपी वॉलेट है, कनेक्टेड वॉलेट टोकन जो है अपना बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहता है, जिसमें कि हमारा जो बाहर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो शो रहेगा और इसे हम टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, नेम टोकन फार्मिंग लिखा है, तो अगर इससे हम टोकन फार्मिंग करेंगे तो हमें क्राइटेरिया वाइज हमें बेनिफिट मिलेगा, यहाँ हमारा आईडी रहेगा, यहाँ पे मिनिमम 50 यूनिटी से अपना तो ये रहा कनेक्टेड वॉल्ट के माध्यम से टोकन फार्मिंग करने का। अब चलते हैं डीपी में, तो डीपी में ये फार्मिंग वॉल्ट के नाम से अपना वैल्यू था, फार्मिंग वॉल्ट के नाम से अपना डीपी रिलीज हो रहा है पर डे के हिसाब से, और कितना रिलीज होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं डेली बेस पे, इतना डीपी लगा हुआ है स्टेक में और इतना रिलीज हो चुका है और इतने डेली बेस पे इतना हो रहा है और टोटल अपना यहाँ पे इतना है। तो यहाँ पे अगर हम टोकन फार्मिंग करेंगे भी तो पर डे 100 से ज़्यादा होता नहीं है, भले यहाँ इंटर मिनिमम वैल्यू 100 लिखा है, यहाँ मैक्सिमम भी 100 ही है, अगर इसे मैक्स को दबाएंगे तो ही 100 ही आएगा, 100 ज़्यादा नहीं आता है, और एक बार में 100 ही कर सकते हैं और नेक्स्ट डे में हम फिर दोबारा कर सकते हैं 100 को, तो मेरे पास यहाँ 6 बार करने का ऑप्शन है, लेकिन बीएनबी चार्ज यहाँ पे इतना है, एक बार देखते हैं बीएनबी चार्ज है क्या, मुझे दोबारा और मुझे इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे कितना बीएनबी रखना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो 100 के लिए यहाँ पे इसमें कनेक्टेड वॉल्ट में विड्रोल के लिए चार्जेज ज़्यादा लग रहा है, 50 के लिए 1 पॉइंट इसकी रेंज में लग रहा है, 50 के लिए इतना लग रहा है, बाकी 100 के लिए समझ लीजिए जो 2.25 डॉलर कम से कम विड्रोल में लग रहा है, क्योंकि तो सिस्टम को मालूम है कि लोगों ने विड्रोल तो करना ही करना है, तो वहाँ पर रेट ज़्यादा रखा हुआ है बीएनबी चार्ज, और यहाँ पे देखने वाली बात है कि बाइनेंस का चार्ज उतना नहीं है,
फीस है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन सिस्टम ज्यादा लेना चाहता हूँ, सिस्टम को भूख लगी है और उसका पूरा जो की इसकी जो प्रवृत्ति अभी तक चेंज नहीं हुई है। उसी मटर में आने के बाद हर एक जगह सोचता है कि सिस्टम लोगों के माध्यम से हम कैसे मैक्सिमम इकट्ठा कर पाए। तो 1.13 यानी मुझे करीबन 7 डॉलर के लमसम में अप्रोक्सीमेट मुझे बीएनपी रखना पड़ेगा, तब जाकर मैं 600 का कर पाऊंगा। वो भी आज तक 700 में कन्वर्ट हो रहा है, तो करीब मोटा मोटा डॉलर रखना पड़ेगा और उसको अर्निंग पे मुझे लगाना है। तो अपना इसका भी हो ही गया, अब चलते हैं रिवर्स स्टेटस। रिवर्स स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है या ऐसा पेज है जहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टोकन फार्मिंग जो मैंने किया है उसका ये जो आर्ट है कितना अभी हुआ है, बाकी इसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो ड्यू ट्रांसफर में जाकर अभी पर डे कितना रिलीज हो रहा है, तो ये विड्रॉल भी ऐसा करता तो वो शो कर रहा है, काफी पर डे 1.5 डॉलर का समय है और इतना अपना 5.2 एक्सपोर्ट जा रहा है कि फार्मिंग वैल्यू में। तो ये 85 और 15 का रेशो है, 15 फार्मिंग वॉल्ट में जा रहा है और काफी 85 हमें यहीं पे शो होता है, यहाँ पे 85 डॉलर डेली एड होता है यहाँ पे। तो ये रहा व्यू ट्रांजेक्शन, उसके बाद कंसिडर वॉल्ट का है, क्रिकेट वर्ल्ड का अगर अभी शो करेगा नहीं करेगा तो यहाँ पे एक अपना पेज ओपन होता है इतने एरिया में जहाँ पे अभी भी लिखा होता है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 500 और वीकली, ये अभी भी लिख के आता है, पर होने को सिर्फ 85 होता है, इससे ऊपर मतलब से होता नहीं होता है। लेकिन मैं 60 का कर रहा था पीछे तो नहीं हो रहा था, 50 किया तो दोनों वर्ड का हो गया, एक और साथी का था उसका भी मैंने किया था वो भी हो गया। तो जैसे भी है सिस्टम को ये गाइड करना चाहिए कि आप इतने से ही विड्रॉल करें, इतना आपका इजीली हो जाएगा। ये सब गाइड करने वाली चीजें होती है जो सिस्टम अभी तक नहीं किया है। सिस्टम भी वो अपने भरोसे ही चला रहा है, मैं राम भरोसे करूँ या उसके भरोसे करूँ बात सही नहीं है। तो बस वही है कि हमारा इसमें पैसा लगा हुआ है तो हमें इसके साथ में अपडेट रहना पड़ेगा, ये मजबूरी है हम लोगों की, नहीं तो सिस्टम ने अच्छा काम किया नहीं है। तो अब आगे हम फार्मिंग पे आते हैं, तो फार्मिंग के लिए यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है कि आप अपनी फार्मिंग कर सकते हैं और दूसरे की कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि जितना भी यहाँ पे फंड इकट्ठा हो रहा है मेरे दूसरे वॉलेट में जो मेरा चोरी हो चुका है वो सारा सारा मैं अपने इस वॉलेट में यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करके इस एरिया में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये थोड़ा ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये विकल्प है कि मैं वहाँ पर टोकन फार्मिंग जितना फंड इकट्ठा हो रहा है मैं अदर के ऑप्शन में जाके मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये थोड़ा बढ़िया रखा है, इसके बारे में मुझे ये कि बीएनबी मुझे उस हिसाब से रखना पड़ेगा और तुरंत मुझे ट्रांसफर मारना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं ट्रांजेक्शन जो डालूंगा वैसे ही उसके पास नोटिफिकेशन पूछा जाए बीएनबी इसमें आया हुआ है जो वो विड्रॉल किया है उसको तो ट्रांसफर ना। नहीं नहीं ये दूसरा वॉलेट है। हाँ नहीं ये दूसरा वॉलेट है कि गायब हो जाएगा। और यहाँ पे ये दिक्कत है कि मुझे वहाँ पे करीब 1500 डॉलर का मुझे बीएनबी भी यूसी मेटा भी रखना पड़ेगा, बीएनबी भी रखना पड़ेगा, तब जाके ये ओपन होके मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो देखते हैं किस टाइम करना है। नहीं बीएनबी मत रखिए अशोक जी, तो
जब करना होगा तभी बीएनबी डालिएगा और वो जो करना होगा कर दीजिए।